फिफ्थ क्लास आज हिंदी में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लासों में हमने पढ़ा था कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है, उसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसमें भी है ना, हमने सिर्फ 2 के बारे में पढ़ा था, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक। तो ये तीसरा उसका भेद है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो ये तो इसका है प्रश्न, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हमें इसका आंसर लिखना है जिस संज्ञा से किसी वस्तु की गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध होता है। अब इसमें है ना, आप देखना, बहुत सारी चीजें इसमें बता दी हैं और गौर करने वाली हैं। जिस संज्ञा से किसी, अब इसमें वस्तु भी आ गया, ठीक है, इसके गुण भी आ गए, दशा भी आ गया, व्यापार के बारे में दिया है, धर्म के बारे में दिया है, ये सभी जो चीजें हैं, इन सभी को, इनका, इन चीजों का बोध होता है, उसे हम भाववाचक, यानी भाव प्रकट करना। इन, अब वस्तु है वो भी अपना गुण, दशा, रंग, रूप सब बताती है। उसमें भी देखो, ये गुण और दशा का दे दिया। फिर व्यापार, व्यापार भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें भी अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, वो अपने भाव प्रकट करते हैं। और ये है धर्म। अब धर्म कोई एक धर्म तो होता नहीं है, धर्म बहुत सारे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, सभी अलग अलग धर्म होते हैं। तो सभी 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 धर्मों का अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण में क्या आएगा, अच्छाई। अब कोई व्यक्ति है, वो अपनी अच्छाई को प्रकट करता है। बुढ़ापा, वो अपने भाव, बुढ़ापा, मिठास, ये है गरीबी। तो अब ये सब क्या है, भाव, उसके गुण और दोष। अब ये गरीबी क्या है, उसका दोष है, उसकी दशा बता रहा है, और अच्छाई ये उसके गुण बता रहे हैं, बुढ़ापा उसकी स्थिति बता रही है, मिठास ये मिठास अपनी भाव बता रहे हैं कि मैं मीठा हूँ, मिठाइयाँ मीठी होती, चॉकलेट्स मीठे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाववाचक शब्द। अब देखना, भाववाचक संज्ञा शब्द की शब्दों से बनते हैं। अब ये भी एक भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है, भाववाचक संज्ञा के शब्द किन शब्दों से बनते हैं, तो उनमें क्या आएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द जो कि है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से। इसमें देख लो सभी आ गए हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से, इन चारों से मिलके बना है। अब देख लो नीचे मैंने उदाहरण लिखा है, जातिवाचक से। अब जातिवाचक संज्ञा से, संज्ञा शब्दों से क्या बनेगा, मानव से, मानवता, ठीक है। अब ये मानव था लेकिन उसका क्या बना, मानवता। जैसे बूढ़ा है तो उसका बढ़ेगा बुढ़ापा, ठीक है ना। अब सर्वनाम से, अपने से, अपनापन। अब सर्वनाम से क्या बना, अपना से, अपनापन। वैसे क्या बनेगा, निज से, निजत्व, ये है इसका उदाहरण। विशेषण से, अब विशेषण पे क्या है, उसकी विशेषता बताना, विशेषता, अच्छा से, अच्छाई। अब किसी को कहते हैं, किसी को भी, किसी व्यक्ति को देखते हैं, कहते हैं ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, तो विशेषण से क्या बना, अच्छा, इसका ये विशेषण शब्द है और इससे क्या बनेगा, अच्छाई। तो अब नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया से पढ़ना, से पढ़ाई। क्रिया क्या है, पढ़ना। अब हम पढ़ने की क्रिया यानी कार्य करने, तो जो पढ़ने का जो हम कार्य कर रहे हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो अब किसी भी तरह का कार्य करना क्रिया कहलाती है, खाना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, घूमना, फिरना, ये सब क्या है, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पढ़ना से पढ़ाई और खेलने से खेलना, चाहे जो भी है, ये उसमें क्रिया से जो बनता है, पढ़ना से पढ़ाई, वो उसमें बदल रहा है इसका रूप। तो हम जातिवाचक, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये तो चारों हैं, इन चारों से शब्द बनता है भाववाचक संज्ञा, जो ये अपने भाव प्रकट करते हैं। तो हमने इतना जान लिया है आज, आज हमारी संज्ञा पूरी हो चुकी है, संज्ञा की परिभाषा से लेकर उसके भेद और भाववाचक संज्ञा के बारे में और उसके सारे शब्द बनने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए आज क्लास वर्क भी यही है, होमवर्क भी यही है, तो आप इसको लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। और आप प्लीज प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, और नहीं समझ में आता है तो आप हमें सैटरडे आके मिल सकते हैं, ये आप ही के लिए मीटिंग रखी गई है ताकि सैटरडे को आप आए, हम
हमसे पूछे कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, और इस हिसाब से आपकी नोटबुक भी चेक करनी पड़ती। तो आप एक बार भी नोटबुक लेके नहीं आया, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। बहुत पीछे रह चुके हैं हम पहले से, तो अब ध्यान देना जरूरी है पढ़ाई पे। फिफ्थ क्लास पूरी पढ़ाई पे ध्यान दे दो, और ये आपका ये होमवर्क है। थैंक यू।